अयोध्या शहर में हस्तशिल्प और हैंडलूम उत्पादों की प्रदर्शनी बिक्री। भारत के प्रत्येक राज्य के हस्तशिल्प हैंडलूम हाथकरघा और गृह उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध और तरह तरह की सेल वो भी सस्ते दामों में। बच्चों के झूले आदि नाका के नीलकंठ मैदान में 6 जनवरी से 17 जनवरी तक प्रदर्शनी में बिक्री के लिए वस्तुएं होंगी उपलब्ध। अयोध्या जनपद के शहर से नीलकंठ लान में शुरू होगी प्रदर्शनी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों समेत भारत के अन्य राज्यों में हथकरघा से निर्मित होने वाले वस्तुओं की प्रदर्शनी की जाएगी। क्राफ्ट की एग्जीबिशन होती है कोविड-19 के अंतर्गत में, जो कुछ परेशानियां इन लोगों के साथ आई हैं और जो हमारा देश है उसमें जिस तरीके की जो परेशानियां रही हैं कोविड-19 में, उस तरीके के लोग हैं कि जिस तरीके की अपना बनाते हैं सामान, अपना उत्पाद करते हैं अपने घर में, अपने ही फैमिली में, अपने ही मेम्बर्स बैठ के ये लोग उत्पाद करते हैं, बनाते हैं, उसी तरह का हैंडीक्राफ्ट है। ये विदेश के हर तरीके के प्रांतों से आए हुए हैं और लगाते हैं अपना एग्जीबिशन। किसी के पास हैंडीक्राफ्ट का रजाई है, कंबल है, चद्दर है, चादर है, अपना चिकन का वर्क है, खादी का वर्क है, उसमें जड़ी जूट का वर्क है, जूती चप्पल सारी चीज़ें रहती हैं। इनके पास स्वयं प्रोडक्ट अपना बेचते हैं, इसका मार्केट में आपको जो है ये चीज़ें नहीं अवेलेबल मिलती हैं, तो इनके बुने हुए चीज़ें होती हैं मार्केट में नहीं मिलती। उसमें ये लोग अपना जो है माल पैदा करते हैं। हम लोग ये हैंडीक्राफ्ट इसलिए लगाते हैं एग्जीबिशन ताकि इनका कुछ मनोबल बढ़े, कुछ इनका काम करे, कारोबार इनका बढ़ना चाहिए। क्योंकि कारोबार नहीं बढ़ता है तो वैसे भी कारोबार काफ़ी तरीके से रुका हुआ है, तो उसके लिए हैंडीक्राफ्ट की मदद। जो मार्केट में अवेलेबल चीज़ें नहीं होती हैं वो आसानी से यहाँ की पब्लिक को यहाँ मिल पाए, जिसके लिए जैसे फैजाबाद एक बहुत छोटा ही शहर है लखनऊ के, आपको लखनऊ जाना पड़ता हो या दिल्ली जाना पड़ता हो तो वो जरूरत नहीं पड़ती, एक ही छत के नीचे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरा जो है इसका भी बहुत अच्छा रोल है, जो कपड़े का आइटम लगाया हुआ है इसमें उनका जो है बहुत अच्छा योगदान रहता है। तो सिलाई और कढ़ाई जो इनकी जो है घर में माताएं बहनें हमारी करती हैं और गांव देहातों में होता है, उनका उत्पाद को बढ़ाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, उनके मनोबल को बढ़ाना ज़रूरी है। उनका अगर उत्पाद नहीं बिकेगा तो वो इस तरीके से थोड़ा आगे चल के उनको समस्या भी हो रही है, तो उसके लिए हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन हम हर साल लगाते हैं। हमारा अपना एनजीओ है, उसी के एनजीओ के अंतर्गत के सारे दुकानदार आते हैं, ये 100 स्टॉल्स हैं इनकी, 100 करीब 200 एक बाजार टाइप का होता है, इसी में ये लोग अपना जो है प्रिकॉशन करके अभी कोविड-19 को देखते हुए प्रिकॉशन करके उस तरीके से बाजार तक किया है। छोटे झूले लगवाए हैं, खान पान का आइटम लगवाया है, थोड़ा बहुत जो है आइसक्रीम वगैरह भी है, तो इसमें एक झूले वगैरह इसलिए लगा दिए गए हैं छोटे, क्योंकि बच्चे हैं बोर हो गए हैं और कई जगह पर जा भी नहीं पाए हैं, तो आएँगे घूमेंगे। अच्छा क्या होता है कि बड़ों को थोड़ा सा परचेजिंग करने में प्रॉब्लम ना हो, उनके बच्चे अपना जो है खेल कूद में थोड़ा बिजी रहें, उसके लिए एक इंतजाम किया गया है कि मनोरंजन थोड़ा सा रहे, एक माइंड में डिस्टर्बेंस ना हो। फीस नहीं ली जाती है यहाँ, ये फ्री है, मुफ्त रहता है, इसमें शुल्क जो है निःशुल्क। यही कहना चाहेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इनका मनोबल बढ़ाएँ, इन दुकानदारों का मनोबल बढ़ाएँ, इनकी कुछ उत्पाद को देखें समझें, उसमें जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ हो तो उसको खरीदारी करें। दूसरा, हमारा जो है देश आगे बढ़ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे जो कह रहे हैं कि अपना स्वदेशी को हमें प्रमोट करना है, तो स्वदेशी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कोई भी बाहर का आइटम नहीं लगा है, कोई भी चाइना प्रोडक्ट या कोई भी आउट ऑफ इंडिया वाला प्रोडक्ट नहीं लगा, सब स्वदेशी प्रोडक्ट लगा है, सब हैंडीक्राफ्ट। क्या नाम आपका और किस पद पे आप हैं? देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना।